Hello friends, in this video lecture we are going to start with types of relation. Okay, so first of all, in this video lecture we are going to study about reflexive and irreflexive relation. Okay, so abhi tak humne padha tha ki jab bhi hum cartesian product apply karte hain for two set a and b, so unke jo bhi possible subset hote hain unko hum relation kehte hain. Okay, so reflexive or irreflexive में हम क्या करेंगे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे सेट का उसी सेट के साथ. सपोज वी हैव अ सेट ए, सो हम उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उस सेट से ही करेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे, और उसके बाद जो भी रिलेशन होंगी उन पे कुछ कंडीशन बाउंड करेंगे, और अगर वो रिलेशन उस कंडीशन को फॉलो करती है, अगर वो रिलेशन उस कंडीशन को फॉलो करती है, सो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या इररिफ्लेक्सिव है. ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अलग कंडीशन है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अलग कंडीशन है. अगर कोई भी रिलेशन उन कंडीशन को फॉलो करेगी तो वो या तो रिफ्लेक्सिव कहलाई जाएगी या इररिफ्लेक्सिव. ओके, सो अब हम उन कंडीशन को पढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू सेट ए देन ए कॉमा A also belongs to relation. Okay, suppose हमारे पास कोई भी set है A, उसमें कुछ element है A, B, C, D, जो भी हो. Okay, so अगर A belongs करता है A set A में, so A comma A मतलब order pair, जिस ऐसे सारे के सारे order pair A comma A के वो relation में होने चाहिए. For example, हमारे पास एक set है A, 1, 2, 3 जैसे एलिमेंट है. ओके, सो जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो आएगा हमारे एलिमेंट 1, 1, 1, 2, 1, 3 और इसी फॉर्म में आ गए. सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहती है कि हमारे पास अगर 1, 2, 3 है, सो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 के ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होने चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो वो रिफ्लेक्सिव है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इररिफ्लेक्सिव है. वो कहती है कि अगर हमारे पास 1, 2, 3 एलिमेंट है, सो ये जो हमारे जो डायगोनल एलिमेंट है 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सेट में या रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए. एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये ना एक कम ना एक ज्यादा. ओके, ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट रहने चाहिए. ओके, सो एग्जांपल देखते हैं. ओके, सो अ रिलेशन ऑफ 5 और नल सेट, विल इट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? नो. व्हाई? क्योंकि ये एक नल सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब होगी जब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होंगे. इसमें तो एक भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है. ओके, अब ये रही हमारी दूसरी रिलेशन. ओके, इसमें क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, सो ये होगी हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, अब ये हो गई हमारी तीसरी रिलेशन. ओके, देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 लेकिन ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया. ओके, लेकिन हमने ये बोला है अपनी डेफिनेशन में कि डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए. एक्स्ट्रा एलिमेंट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, वो उन पे डिपेंड है, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है. हमको बस ये है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो रिलेशन में प्रेजेंट रहने चाहिए. सो ये भी हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी. ओके, अब ये रही रिलेशन. ओके, सो इसमें एलिमेंट है 1, 1 और 2, 2 लेकिन मैंने बोला था सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन इसमें 3, 3 तो प्रेजेंट है ही नहीं, सो ये हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी. ओके, नाउ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए. ओके, ए क्रॉस ए में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 1 से लेके 3, 3 9 एलिमेंट सब हो. सो इसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 वाले एलिमेंट भी इंक्लूड होंगे, एस वी नो, बिकॉज वी आर ब्रिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एक्स्ट्रा एलिमेंट ये होंगे. हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है ए क्रॉस ए, सो ये रिलेशन भी हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम कोई सेट पे अगर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, सो उस रिलेशन में मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं. ओके, सपोज हम ए सेट पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ओके, ए क्रॉस ए करके, सो जो मिनिमम एलिमेंट होंगे हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो होंगे डेल्टा ए. डेल्टा ए मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट को हम मैट्रिक्स के डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये होगी हमारी स्मॉलेस्ट रिलेशन. ओके, सो ये होगी हमारी स्मॉलेस्ट रिलेशन. ओके, और लार्जेस्ट रिलेशन कौन सी होती है? लार्जेस्ट रिलेशन वो होगी जिसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इनमें डायगोनल तो होंगे और बाकी के जो सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट है
वो के वो प्रेजेंट रहेंगे. ओके सो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए विल बी आर लार्जेस्ट रिलेशन. ओके सो सपोज अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें है एन एलिमेंट जिसकी कार्डिनलिटी एन है, सो उस सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसी सेट से, सो हम टोटल कितने पॉसिबल रिलेशन बना सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव होंगी. सो वो होंगी 2^n² - n नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके सो अगर हमारे पास ए एक सेट है ए जिसमें n एलिमेंट है, सो हम उस सेट से 2^n² - n नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की. अब हम बात करते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की. ओके सो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जस्ट अपोजिट कंडीशन को फॉलो करती है. वो कहती है कि रिलेशन में सारे एलिमेंट हो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट. ओके सो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ रिलेशन ऑन सेट ए इज इररिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल एलिमेंट ए दैट बिलोंग्स टू सेट ए A, should not belongs to relation R. Okay. That is, कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन बनी है A cross A के subset से, okay. So, जो हमारे ये जो diagonal element है 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये present नहीं होने चाहिए उस relation में, okay. So, जरा example देखते हैं इनके, okay. So, suppose हमारे पास phi और null set है, okay. जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. ओके सो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी? यस होगी. व्हाई? क्योंकि हमारी बस कंडीशन इतनी सी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि इसमें डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट ना हो. सो क्या जिसमें जीरो एलिमेंट नहीं है इसमें क्या आपको कहीं डायगोनल एलिमेंट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे. सो ये होगी हमारी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके सो ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये हमारी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है बिकॉज इनमें तीनों के तीनों जो डायगोनल एलिमेंट है वो प्रेजेंट है. ओके अब ये देखते हैं रिलेशन. इसमें 1, 2 जो है वो प्रेजेंट है, 2, 3, 1 और 2, 1. ओके सो 1, 2 डायगोनल एलिमेंट नहीं है, 3, 1 डायगोनल एलिमेंट नहीं है, 2, 1 डायगोनल एलिमेंट नहीं है. लेकिन अगर आपको एक भी ऐसा डायगोनल एलिमेंट मिल गया रिलेशन में, सो वो हमारी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी. जी बिल्कुल. ओके सो ये भी हमारी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. ओके अब ये रिलेशन है हमारी 1, 3, 2, 3. अब आप देख के बता सकते हैं कि इनमें एक भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है, सो ये हमारी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है. ओके अब ये है R इज इक्वल टू A क्रॉस A. ओके सो क्या ये हमारी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी? नहीं होगी क्योंकि A क्रॉस A में यहां से लेके अपटिल 3, 3 तक सारे एलिमेंट होंगे और वो डायगोनल एलिमेंट भी कंटेन करेगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो डायगोनल एलिमेंट की वजह से A क्रॉस A जो रिलेशन होगी वो हमारी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी. ओके अब करते हैं बात लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो कि A सेट से बन सकती है और स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो सेट A से बन सकती होगी. सो जो लार्जेस्ट रिलेशन बनेगी वो होगी हमारी A क्रॉस A माइनस डायगोनल एलिमेंट. ओके सो डायगोनल एलिमेंट को हटा के ये अगर हमको 6 एलिमेंट भी मिलते हैं सो वो हमारी होगी लार्जेस्ट क्योंकि हमारी बस मिनिमम बाउंड ये है कि डायगोनल एलिमेंट ना हो. सो अगर ये बाकी के 3+3 एक्सेप्ट दिस 3 डायगोनल एलिमेंट सो दिस विल बी आवर लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए. ओके अब स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट 0 हो सकती है, नेगेटिव में तो जाएगी नहीं. ओके सो स्मॉलेस्ट हमने देखा फाई हमारी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करता है. सो स्मॉलेस्ट होगी रिलेशन हमारी फाई, स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके अब बात होती है अगर हमारे पास सेट है ए जिसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके साथ ही कर रहे हैं जिसमें एन एलिमेंट है, सो हम कितने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं? सो उसका नंबर होगा 2^n²-n. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.